हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो ये शाम के टाइम की वीडियो है, तो ये ना मतलब सोमवारी के शाम की वीडियो है। हाँ, सोमवारी की शाम की वीडियो है। तो ये मैं सारा मतलब कपड़ा वपड़ा जो था ना, जो दोबारा जो धुला था, सब लोग नहाए थे दोबारा। जो मम्मी मंदिर से आती है ना, तो कपड़ा को धो, मतलब साड़ी जो पहन के जाती है ना, उसको धो देती है ताकि वो जूठा ना रहे और उसको दोबारा पहन सके। तो मम्मी जब भी आती है तो सब मतलब आते आते सबसे पहले उसमें उस कपड़े पर ना चाय तक नहीं पीती है, सबसे पहले ना खोल के रखती है और फिर भी उसको खंगार देती है। क्योंकि मतलब जाना आना हो जाता है ना मंदिर, तो मंदिर मतलब हो जाता है कि रास्ते में नीचे साड़ी का जो कोन होता है ना, वो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो उसी की वजह से मम्मी धो देती है साड़ी को, और हमेशा डेली का कपड़ा डेली जो मम्मी पहनती है डेली धो देती है, और उसके बाद ही अगले दिन फिर पहनती है। आप देख सकते हो सारा कपड़ा जितना था मैं छत पे ले गई थी, और सारा कपड़ा मतलब पसार दी, और जो पहले सूखा हुआ था उसको मैं फोल्ड करके रख ली। तो उसको मैं नीचे ले आई थी, फिर नीचे आई तो उसके बाद फिर खाना पीना का टाइम हो ही चुका रहता था क्योंकि शाम के टाइम है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना, आज अभी 6:30 बज रहा, अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा, तो मैं सोचा यहाँ पे खाना बना के पहले ही रख लेते हैं। क्योंकि खाना बना के रख लेंगे ना तो फिर परी मतलब रहने की नौटंकी करने लगती है, तो परी मतलब नौटंकी करेगी तो फिर मैं उसको लेके बैठूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा तंग करने लगती है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी 6 बजे रोटी और एक तरफ मेरा सब नहीं रोटी और एक तरफ भुंजिया चढ़ा हुआ है। यहाँ रोटी या भुंजिया बन रहा है और उसके बाद दीदी बनाएगी, और मैं रोटी भुंजिया दाल तीनों चीज बना दूंगी। और उसके बाद चावल बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है वो दीदी बना लेगी। तो उसके बाद मैं नहाने भी जाती हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है मैं रात में डेली नहा के ही सोती हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि बिना नहाए भी सोती हूँ। और गर्मी इधर गया में अभी भी उतना है ना, कि अभी भी बारिश अच्छे तरीके से नहीं हुई है, बारिश हो ही नहीं रही है। तो आज से हल्का फुल्का मतलब शाम से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुई है, नहीं कि बारिश नहीं हो रही है। इसके चलते फिर से गर्मी इतना है कि गर्मी से ना पूरा घाव निकल रहा है मुझे भी और परी को भी। और मम्मी उधर देख सकते हो सारा कपड़ा मैं छत पे से जो ला के दी थी ना, जो नहीं सूखा था उसको मम्मी मतलब कहीं कहीं पसार रही है ताकि हवा से सूख जाए। मम्मी का ये ड्यूटी रहता है, मम्मी ज्यादातर सबका कपड़ा ना ध्यान से मतलब ध्यान से सुखाते रहती है। और परी का तो मतलब ज्यादातर परी का मम्मी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है कि परी का कपड़ा सूखा नहीं सूखा, मतलब कहाँ पसा रही है कि सूख जाएगा ऐसा हो जाता है। उसका कपड़ा देख देख के मम्मी उसका पैंट जो है ना देख देख के सुखाते रहती है दिन भर ही रहते थे। मैं कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ कि छोड़ दो मम्मी मतलब सूख जाएगा सूख जाएगा, नहीं कि फिर मम्मी को लगता नहीं सूख जाएगा तो उसको फिर पहनने के लिए होगा। इसी चलते मम्मी बहुत ज्यादा ध्यान देती है उसका पैंट वोट या तो गंजी उंजी उसका रहता है, तो बच्चे लोग का ऐसे भी ज्यादा जरूरी रहता है क्योंकि बच्चे लोग बहुत बार कपड़ा गंदा करते हैं। बाद गाइस, यहाँ पे जो भी रात का बर्तन था ना वो सब धोने में मैं लग गई, तो यहाँ पे जितना भी बर्तन था सारा मैं धो ही लेती हूँ क्योंकि रात का बर्तन धुल जाता है तो सुबह उतना काम नहीं रहता है, और सुबह के टाइम हो जाता है पूजा पाठ करने जाने का हो जाता है, थोड़ा सा काम कम रहता है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाता है मैनेज। नो नानी, नो बोलो, नो नानी। बिट्टू राजू ना, इधर नानी को देखो, नानी को देखो, नानी बेहोश हो गई ना। मौची कहाँ? मौची बोलो तो, मौची ना। मौची कहाँ बेटा? नो तो समझ गए हमने कि मौसी कहाँ है। राजू राजू बेटू, मौसी बोल तो, मौसी फिर से बोलो, मौसी फिर से बोलो, मौसी कस के बोलो, कस के बोलो बेटू, और कस के, मौसी फिर से बोलो, कहाँ है मौसी बेटा के? राजू नानी मर गई क्या? और उसके बाद यहाँ पे गाइस सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे चाय बनाने में मैं लग गई। तो चाय मतलब नहाने से पहले ना जो भी काम रहता है वो सब कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद सखरी नहीं छुआ जाता है, पूजा पाठ करने से पहले सखरी नहीं छुआ जाता, किचन का कोई सामान नहीं छुआ जाता, अब बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं छुआ जाता। तो यहाँ परी के लिए बाबू के लिए मैं चाय बना दे रही थी क्योंकि दोनों लोग हैं ना, दोनों बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे को मतलब सुबह उठते हैं तो भूख लगता है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए आदत है, तो चाय बिस्कुट दोनों को अच्छा लगता है, दोनों बच्चे खाते हैं चाय बिस्कुट। तो मैं यहाँ पर दो कप दो गिलास में चाय निकाल दी थी, एक गिलास में बाबू के एक गिलास में परी के लिए, तो दोनों अलग। अगर मैं मतलब हम चले भी जाएंगे मंदिर तो पापा भी मतलब इसके नाना भी खिला देंगे, ये तो कोई खिला देगा। और उसके बाद फिर नहा धोवा ली मैं, तो उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आ गई। तो यहाँ मैं सोची कि रात पहले घर में पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद मंदिर जाके करेंगे। तो यहाँ मैं कुछ कुछ मतलब सब मतलब पहले ना बेलपत्तर में लगा लूँगी लोरी, बेलपत्तर में लोरी भी नहीं लगा है, और उसके घर से ही लगा के जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब झमेला हो जाता है लगाने का, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में पूजा वहाँ थोड़ा सा भीड़ उड़ रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है वहाँ पे जाके लगाने में, तो घर ही से लगा के जाती हूँ।
और उसके बाद यहाँ देख सकते हो मैं पूजा पाठ हो चुका है, तब तक परी उठ चुकी थी। और परी उठ के देख सकते हो यहाँ डांस, इतना गाना सुन सुन के इतना डांस कर रही है, इतना डांस कर रही है ना, पूरा खुश होकर डांस कर रही थी। परी को ना मतलब डांस करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी गाना अच्छा गाना बजता है ना तब इसको डांस करने का हो जाता है, ये डांस करने लगती खुद पर खुद उठ के, पूरा नाच नाच के पूरा मतलब बहुत डांस करती है, बहुत अच्छा लगता है इसको डांस करना। बाद गाइस यहाँ पूजा पाठ का सारा सामान हो चुका है रेडी, तो यहाँ पानी गंगा जल मैंने ले लिया, तो ये आधा गंगा जल लेते हैं और इसमें वहाँ मंदिर में जाके पानी मिला लेते हैं, क्योंकि मतलब भर लोटी अगर गंगा जल ले के जाते रहे ना तो पूरा गंगा जल ही ख़त्म हो जाएगा इतना मतलब एक महीने में। और उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे बेलपत्र ना कोई कोई मतलब बेलपत्र एक्स्ट्रा लिए थे, जिसमें बेलपत्र में मतलब लोरी और चंदन नहीं लगा हुआ था, तो वो वहाँ बैठ के हम लोग लगाए थे, बैठ के वही कर रहे थे पहले लगा के, और उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए शुरू किए थे, क्योंकि मतलब खाली मतलब बेलपत्र ना नहीं चढ़ाया जाता, या तो बेलपत्र में एक मतलब दो पत्ता जिसमें होता है ना वो नहीं चढ़ाया जाता, और जिसमें थोड़ा बहुत कटा चटा रहता है ना वो नहीं चढ़ाया जाता, तो वो सब बेलपत्र अलग किया जाता है। शिव शंकर पे शिव जी पे ना मतलब थोड़ा सा भी मतलब ये मतलब थोड़ा सा उसमें अगर फटा हुआ है ना तो वो बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाएगा, ऐसा होता है। और उसके बाद फिर मैं मम्मी पूजा करने लगे, पहले हम लोग शिव जी में अब करना स्टार्ट किए, क्योंकि जाते हैं तो पहले शिव जी का मंदिर पड़ता है, इसलिए पहले शिव जी के मंदिर में पूजा करना स्टार्ट किया, उसके बाद देवी जी के पास पूजा करेंगे। तो आज देख सकते हो जैसा कि कोई नहीं है, पूरा मंदिर खाली खाली है, तो सुबह के टाइम था, तो सुबह रात में सारा मतलब काम करके रखते हैं ना, तो सुबह बहुत आसानी हो जाता है, मतलब सुबह उतना काम नहीं रहता, उठो और नहाओ और पूजा करो और जाओ, मतलब सुबह बहुत हल्का लगता है। और उसके बाद फिर रास्ता में आने टाइम यहाँ देख सकते हो परीना नाना के साथ आ ही रही थी, तो यहाँ रास्ते में ही मिल गई, तो ये इसको मैं दुकान लेके गई थी और फिर ये ना फ्रूटी खाई थी और चॉकलेट खाई थी। उसके बाद देख सकते हो कितना खुशी खुशी एकदम जा रही है नानी के साथ आगे आगे। और गाइस आज का ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।